सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली AIA PGET प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज्ड बाय आप्तायुर्वेदा क्लासेस। डेली यू आर गिवन अ टारगेट ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड द टाइम लिमिट इज 15 मिनट्स। हाउ यू कैन गिव द टेस्ट? फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप दैट इज आप्तायुर्वेदा क्लासेस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ साइन अप। वंस यू हैव साइंड अप, यू हैव टू एनरोल टू डेली लाइव टेस्ट कोर्स एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट अपियरिंग फॉर द टेस्ट। Once you have finished the test, you can check the solutions on our YouTube channel, that is Aptarveda Classes. So let us begin with our first question of the day. The first question says, in chest x-ray, snowstorm appearance is found in. Snowstorm appearance. Important hai ye, dhyan mein rakho. Option A is asbestosis. Option B, anthracosis. Option C, bagascosis. Option D, silicosis. Right answer is option D, silicosis. Mein hame स्नो स्टॉर्म अपियरेंस दिखता है एक्सरे में, चेस्ट एक्सरे में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, DSM-IV डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल इज रिलेटेड विद। अब DSM-IV का पूरा फुल फॉर्म क्या है? डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। नोट दिस डाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आते हैं इस पे भी क्वेश्चन, DSM-IV। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार अनंता सारिवा रासना पद्मा गर्भस्राव रोकने हेतु किस माह की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है। अब सुश्रुत ने जैसे गर्भिणी परिचर्या बताई है, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि के लक्षण बताए हैं हर एक मास के, वैसे ही गर्भस्राव रोकने के अनु के लिए हर मास की चिकित्सा भी बताई है। तो ये कौन से माह का है? इसका राइट आंसर बता दूं मैं आपको, राइट आंसर इज चौथे मास का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, फोर्थ मास में यह सही है। अब आप बोलेंगे बाकी का क्या है, तो बाकी में देखो क्या दिया हुआ है, दूसरे माह में क्या दिया हुआ है, अनंता दिया हुआ है, अनंता के बाद अश्वंतक दिया हुआ है, सॉरी दूसरे माह में अश्वंतक, तिल दिया हुआ है, ताम्रवल्ली और शतावरी। चौथे माह का अभी देख लिया हमने। पांचवें माह में क्या दिया हुआ है? बृहति दिया हुआ है, काश्मरी दिया हुआ है, शीरी वृक्षों में अंकुर और छाल तथा घृत बताई गई है। छठे माह में क्या दिया हुआ है? पृष्णपर्णी है, बला, शीघ्रु, श्वदंष्ट्रा और मधुपर्णी का, ये सभी आए हैं। तो आपको इसका डिटेल रेफरेंस मिलेगा, सुश्रुत शारीर 10वां अध्याय 64वां श्लोक। ऑप्शन बी सेकेंड इज करेक्ट हियर, चौथे माह। तालिसादी चूर्ण में पिपली एवं शर्करा का अनुपात है, भेषज कल्पना का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 1:8 एंड ऑप्शन डी 1:16। अब ध्यान दीजिए, ऐसा जब क्वेश्चन आए तो पहले ध्यान दो तालिसादी चूर्ण के कंटेंट क्या क्या है। तो हम कोड बनाते थे TMNPV, ठीक है। टी एम एन पी वी का मीनिंग क्या है? तालिस पत्र, एम से मरीच, एन से क्या है, नागर या फिर शुंठी, पी से पिपली और वी से वंशलोचन। इसका डोज क्या था? 1, 2, 3, 4 और 5। इसके साथ क्या कहा गया था कि एक श्लोक आया था, वो मैं आपको श्लोक बता देता हूं कि पिपल्य अष्टगुणा च अत्र प्रक्षेया शीत शर्करा। ठीक है, तो पिपली जितना रहेगा उसका 8 टाइम्स ये श्लोक आया है। आप चरक चिकित्सा 8वां अध्याय 146 श्लोक देखोगे, वहां पे आपको मिलेगा पिपली शर्करा 8 टाइम्स रहेगा, ये ध्यान में रखो, श्लोक में क्लियर कट दिया है। तो हमारा आंसर क्या है? सी 1:8। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक में क्या है? सुश्रुत अनुसार हानव्या पश्चिम में महान श्रोतो महारुज अधिमास का लक्षण है। कथन दो में क्या है? दंतन सुश्रुत अनुसार दंत नाड़ी रोग के 8 प्रकार होते हैं। तो अभी हमें देखना है कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत। तो कथन में क्या है, पहले कथन में क्या है, हानव्या पश्चिम में महान श्रोतो महारुज अधिमास रोग का लक्षण है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दंतनाड़ी रोग के 8 प्रकार होते हैं, नहीं गलत है ये, 5 प्रकार होते हैं दंतनाड़ी रोग के। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कथन एक सही है, परंतु कथन दो कैसा है?
गलत बताया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या है, दो सूचियों को आपको सुमेलित करना है, पहली सूची में बंध के नाम दिए हैं, दूसरी सूची में उनके स्थान दिए गए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कोश, कोश कहाँ रहता है, कोश रहता है अंगुली पर्व में, कोश अंगुली पर्व में हम यूजुअली बंध करते हैं। अनुवेलित शाखासु श्लोक में ही आया है। मंडल, मंडल में क्या रहते हैं यूजुअली, जितने भी जहाँ पे भी गोल बैंडेज हम बांध सकते हैं, जिसको मृत अंग बोलते हैं वो करते हैं। और गोफना बंध हम कहाँ बांधते हैं, बस्ती में। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, A3, B4, C1 एंड D2। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 18वां अध्याय 19वां श्लोक। ऑप्शन बी सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरे, पंचकर्मानि कुर्वित डैश 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 विचारयन, पंचकर्म का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मात्रा कालो, ऑप्शन बी बल अबलो, ऑप्शन सी पथ्य पथ्य, ऑप्शन डी दोष दुष्य। तो आपको इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मात्रा कालो। ठीक है, रेफरेंस है यहाँ पर चरक सूत्र 2रे अध्याय में मिलेगा आपको ये, नॉट कल्प में, चरक सूत्र 2रे अध्याय में है इसका रेफरेंस, पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा कालो विचारेण, ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखो क्या है, ट्रेनलेनबर्ग टेस्ट इज फॉर, ऑप्शन ए सिफेनस फीमोरल इनकॉम्पिटेंस, ऑप्शन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी स्प्लीनिक रप्चर एंड लास्ट इज ग्लूटियस पैरालिसिस। सो राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हम ट्रेनलेनबर्ग टेस्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्जरी का क्वेश्चन ध्यान में रखिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक में क्या है, सुश्रुत अनुसार संधि विश्लेष, और जो विस्तरण का लक्षण है, कथन दो सुश्रुत अनुसार मूर्छा मांसक्षय ओजक्षय का लक्षण है। तो संधि विश्लेष ओज विस्तरण का लक्षण है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मूर्छा मांसक्षय ओजक्षय का लक्षण है, ये भी बिल्कुल सही है। ओज दृष्टि के तीन व्यापद बताए गए हैं, एक तो विस्तरण, दूसरा व्यापद और तीसरा क्षय। तो इनमें जो जो लक्षण आए वो हमें ध्यान से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला अपना ऑप्शन सही है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 15वां अध्याय 29वां श्लोक। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस इन क्वांटिटेटिव स्टडीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट टू, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन इज डिपेंडेंट ऑन थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटी, ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, रिसर्च टेट का ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट हियर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का 10 क्वेश्चंस का सेट। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।